नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली की मंगोलपुरी विधानसभा के संजय गांधी अस्पताल पर। जैसा कि रात का एक मामला हमने आपको दिखाया था कि 4 नंबर बिल्डिंग की बाथरूम का लेंटर जो गिरा और जिसकी वजह से एक महिला उसमें दब गई और उसकी हालत जो है बेहद गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि 40 साल पुरानी वो बिल्डिंग है। अगर 40 साल पुरानी बिल्डिंग है तो अभी तक उसकी मरम्मत क्यों नहीं हुई? आज उन्हें कुछ खास मुद्दों को लेकर, यहाँ के सुरक्षा को लेकर और कुछ खास मुद्दों पर जब बात की गई एमएस साहब से, तो एमएस साहब ने क्या कहा? यहाँ के जो अशोक बिड़ला सामाजिक कार्यकर्ता है और भाजपा से निगम पार्षद के इलेक्शन यहाँ से जो वो निगम पार्षद के प्रभारी रहे हैं, प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने आज एमएस साहब से बात की, तो एमएस साहब ने क्या कहा उन खास मुद्दों पर, आइए जानते हैं। मैं अशोक बिड़लान, वार्ड नंबर 49, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हूँ। सर, कल जो हादसा हुआ संजय गांधी अस्पताल में, आज आप उसको लेकर एमएस से मिले, क्या कहा एमएस ने और क्या रहे आपके सवाल? एमएस ने पहले तो अपनी गलती कबूल की, क्योंकि तो ये पुरानी बिल्डिंग है और एक हफ्ते पहले भी ओडीपी पे वहाँ पे भी ये हादसा हुआ है और एमएस साहब ने हमारे से वादा किया है के बहुत जल्द मैं ठीक करा दूंगा और पुरानी बिल्डिंग के कारण ये हादसा हुआ था। सर, ये जो बिल्डिंग बताई गई 40 साल से लगभग पुरानी है, तो क्या 40 साल से पुरानी बिल्डिंग के अंदर इस तरीके के मरीजों को एडमिट करना या वहां पर मरीजों को रखना, उससे पहले इस सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए? नहीं, पहले कोई इंतजाम नहीं किया गया और मीडिया के माध्यम से, कल के माध्यम से ये इंतजाम कर रहे हैं और एमएस जी ने वादा किया है मैं बहुत जल्द बिल्डिंग को। सर, आपका कहने का तात्पर्य है कि क्या एक बार कोई बड़ा हादसे की इंतजार किया जा रहा था क्या वहाँ पे? मैंने यही बात रखी एमएस जी के सामने, मैंने कहा आज हमारे कहने से आप कर रहे हो तो पहले क्यों नहीं कार्रवाई करी? तो एमएस जी ने कहा, मैंने पीडब्ल्यू के बीपी को शिकायत कर रखी है, कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो आज एमएस सामने वादा किया। सर, अभी तक भी विधायिका जो है क्षेत्र के यहाँ नहीं पहुंची है, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्षेत्र की विधायिका तो देखो जी यहाँ से चली गई है, कोई भी बेटी होती शादी होने के बाद में बेटी पराधन होती है वो तो यहाँ से चली, कभी आती ही नहीं है। तो और क्षेत्र का निगम पार्षद और विधायिका दो दफा बिल्डिंग पड़ चुकी है, आज तक कोई सुध लेने नहीं आई। सर, अभी जो हाल फिलहाल में निगम पार्षद है उनका तो कुछ तो दायित्व बनता है कि जिस तरह से यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है, एक राउंड तो उनका बनता है, बट अभी तक भी विधायिका को तो छोड़िए, निगम पार्षद भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। यहाँ दोनों निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के है, एक भी निगम पार्षद नहीं आया, कोई कार्यकर्ता भी पूछने नहीं आया इसके बारे में। हाँ, एक काम तो करता निगम पार्षद, पारिकम जाता, पारिकम का ठेका किसी और को देता, पैसे कमाने की लग रही है उसको बस। सर, सुनने में यह भी आया है कि यहाँ पर लोगों को दवाइयाँ जो है वो टाइम पर नहीं मिल पा रही हैं, बाहर से दवाइयाँ परचेज करने के लिए बोल दिया जाता है, जिससे जितने भी परेशान है मरीज उनको और ज्यादा दिक्कत है उनकी बढ़ती। अभी एमएस साहब से मैंने ये मुद्दा उठाया था, मैंने कहा 5 दवाई लेते हो आप, 2 यहाँ मिलते, 3 बाहर की मिलते हैं, मैं ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो एमएस साहब ने वादा किया है, वो शिकायत लिख ली गई है और आज के बाद दवाई पूरी मिलेगा, आश्वासन दिया। तो सर, आपको लगता है कि आश्वासन जो उन्होंने दिया है वो खरे उतरेंगे इस पर? नहीं, कहाँ खरे उतरते हैं, ये तो खाली नाटकबाज है कि जितने ड्रामे हो रहे हैं, हम भर लिया, 2 दिन बाद फिर देख लेना, फिर वही हाल होगा। कितने दिन में इनका मेंटेनेंस करने का जो वादा है वो कितने दिन? मेरे को अभी उसने टाइम दिया 2-2.5 महीने का, 2-2.5 महीने तक हो गया, ठीक है ना। मैं अशोक बिड़लान और संजय गांधी हॉस्पिटल के पास धरने पे बैठूंगा अगर 2 महीने के बाद ठीक नहीं हुआ।